हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पेरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास सेवन्थ आप पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लास्ट चैप्टर आप कवर किया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिंदा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या उपर आई बटन के आ रहे हैं। अज आप स्टार्ट कर जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8th है, जिंद आप पढ़न जा रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज। ये आप रेशियो के बारे पढ़ना है, रेशियो एंड प्रपोर्शन मोस्टली अपने को पहली एक्सरसाइज के। रेशियो एंड प्रपोर्शन आप क्लास 6th के पढ़ चुके हैं, जिंदी बेसिक इंट्रोडक्शन तुसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के देख सकते हो। तो आप स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 के नाल। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। तो एक गल ध्यान रखनी है, जो आप रेशियो लेना है तो क्वांटिटीज की होनी चाहिए सेम, उन्होंने यूनिट की होने चाहिए सेम। जे मान लो एक मीटर में एक सेंटीमीटर में है तो आप दोवों पहला सेम यूनिट के करा, उस तो बाद आप रेशियो फाइंड करा। ओके, वैसे भी जो भी आप कंपेयर करते हैं तो दो सेम परसन के करते हैं। ओके, आप कंपेयरिंग करनी है तो इतने भी यूनिट की होने चाहिए अपने को सेम होने चाहिए। तो आप स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट पार्ट न। फर्स्ट की कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन की है, 3 सेंटीमीटर टू 4 मीटर। हुण एक सेंटीमीटर में है एक मीटर में है, तो आपको पता है एक मीटर दे विच कितने सेंटीमीटर होंगे, 100। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यह होंगे अपने को एंसीडेंट, एंसीडेंट ये होंगे अपने कॉन्सीक्वेंट। ठीक है, एक होंगे एंटीसीडेंट, एक होंगे कॉन्सीक्वेंट। मतलब पहला ए होंगे पहली क्वांटिटी, पहली टर्म, इनू की कहें सैकेंड टर्म। तो पहली टर्म उपर लिखा आप 3 सेंटीमीटर डिवाइड दे विच की आ गया 4 मीटर, पर मीटर में है इनू कच कन्वर्ट करना आप सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट कर लो, 3 सेंटीमीटर डिवाइड दे विच की आ गया 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर दे विच 100 सेंटीमीटर है तो 4 दे विच किन्ने होंगे 400 होंगे, तो कि आ गया 400। हम देखो सेंटीमीटर नाल सेंटीमीटर कट हो गया, यूनिट नाल पहला यूनिट कट करने हैं, तो कि बच गया अपने को 3 डिवाइडेड बाय 400। हम 3 दे टेबल 400 नहीं आता, तो अपने को रेशियो की आ गया 3:400। ओके, सो दैट इज द आंसर। जे कट नहीं हो रहा तो सेम एज इट इज लिखो। ओके, तो कितना आ गया 3:400। नेक्स्ट अपने को बी पार्ट, बी पार्ट दे विच की कह रहे आप 9 ग्राम टू 2 केजी, 9 ग्राम टू 2 केजी। हुण 1 ग्राम विच है 1 केजी विच है, तो आप सेम विच कन्वर्ट करांगे। 1 केजी का दे इक्वल होंदा 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम का दे बराबर होंदा 1000 ग्राम दे। तो कन्वर्ट करांगे आप 9 ग्राम डिवाइड विच की आ गया 2000 ग्राम, क्योंकि किलोग्राम है उन्होंने आप कच कर लिया ग्राम दे विच। पहला तो ग्राम नाल ग्राम का जबर बेड़ो, बाकी की बच गया अपने को 9 बाय 2000, 9 बाय 2000 आ गया। हम 9 दे टेबल दे विच 2000 नहीं आता, कट नहीं हो रहा, तो अपने को रेशियो कितना आ गया 9:2000। ये अपने को फ्रैक्शन होंगी है, ठीक है, ये अपने को फ्रैक्शन, ये अपने को बन गया रेशियो बन गया, एक चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, पहला फ्रैक्शन दे विच कन्वर्ट करांगे, फिर फ्रैक्शन टू की लिखांगे रेशियो। ओके, पहली टर्म एक ही आ गई अपने को सैकेंड टर्म, तो अपना आंसर कितना आ गया 9:2000। नैक्सट नैक्सट अपने को सी पार्ट, सी दे विच की कह रहा है 7 मंथ टू 1 ईयर। हुण 1 मंथ दे विच है, 1 ईयर दे विच है, आपां नूं पता है ना दोवां दे विचाले रिलेशन की है, पहला रिलेशन देखिया करो रिलेशन की है। सो 1 ईयर 1 साल का दे बराबर हुंदा 12 मंथ दे। ठीक है, 1 साल का दे बराबर हुंदा 12 मंथ दे, तो आपां लिखांगे कि 7 मंथ, जिथे ईयर नूं हटा के आपां की लिखांगे 12 मंथ। 12 मंथ आ गया, उपर की आ गया 7 मंथ, मंथ नाल मंथ कट हो गया, बाकी की आ गया 7 बाय 12, तो रेशियो किन्ना आ गया 7:12। ओके, फर्स्ट टर्म आ गई अपने को की आ गई सैकेंड टर्म आ गई। ओके, उस तो बाद आ गया अपने को डी पार्ट, डी दे विच की कह रहा है, डी दे विच कह रहा है 11 मिनट टू 3 आवर्स, 11 मिनट टू 3 आवर्स। हुण फिर यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है, एक मिनट में आ गया, एक की आ गया आवर्स के, तो अपना पहला काम की है दोवों सेम दे विच कन्वर्ट करना। हुण 1 आवर का दे इक्वल होंदा 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट दे इक्वल होंदा, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है, तो 3 घंटे किन्ने दे बराबर होंगे 3 आवर्स, तो आप करांगे 3 मल्टीप्लाई बाय 60, कि आ गया 180 मिनट। 3 घंटे किन्ने मिनट होंगे 180 होंगे, तो अपना रेशियो की आ गया 11 मिनट डिवाइड बाय 180 मिनट। पहला मिनट नाल मिनट कट हो गया, हुण 11 दे टेबल च 180 नहीं आता,
नहीं आता ना, तो आप की लिखा रेशियो कि आ गया 11/180, ये फ्रैक्शन दे विच आ गया। हुण फ्रैक्शन आप करना रेशियो दे विच कन्वर्ट करना, तो कि आ गया 11:180। ओके सो दैट इज द आंसर। नैक्सट ई पार्ट की कह रहे हैं, ई दे विच 3.7 मीटर टू 6.5 मीटर। ये चीज़ आ गई, एक गल की खुशी है इस क्वेश्चन के यूनिट सेम है, इनके को भी मीटर है इनके को भी मीटर है, दोवां दे यूनिट की है सेम, अपन कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना पैना। सो कितना आ गया 3.7 मीटर डिवाइड बाय 6.5 मीटर। पहला मीटर नाल मीटर कट करो, सो कितना आ गया 3.7 डिवाइड बाय की आ गया 6.5। ठीक है, 3.7 डिवाइड बाय 6.5। हुण आपां पॉइंट नाल पॉइंट कट कर सकते हैं, किवें कट कर सकते हैं, दोवां नूं लाइक डैसीमल बना के, की बनाउणा आपां, लाइक डैसीमल। लाइक डैसीमल की होंदा, डैसीमल दे राइट विच सेम नंबर ऑफ डिजिट, डैसीमल दे राइट विच वन डिजिट, डैसीमल दे राइट विच वन डिजिट। सो डैसीमल नाल डैसीमल कट हो गया, तो कितना आ गया 37/65। सो रेशियो कितना आ गया 37:65। ओके सो दैट इज द आंसर, तो कितना आ गया 37:65। ओके नैक्सट, उस तो बाद अपने को एफ पार्ट 546 रुपीज 250 पैसा। हुण आपां पता है 1 रुपीज कादे इक्वल हुंदा है 100 पैसा, 1 रुपया कादे बराबर हुंदा 100 पैसों के बराबर हुंदा, तो ये रुपए के आप पैसे कन्वर्ट करांगे, कितना आ गया 546 00। डबल जीरो क्यों आई है, क्योंकि रुपीज़ नूं हटा के मैं 100 लिखा, डिवाइड दे विच की आ गया 50 पैसा, पैसे नाल पैसा कट हो गया, कितना बच गया 546 00 डिवाइड बाय 50। जीरो नाल जीरो कट होगी, सो इनू कट करो, इनू कट करोगे कितना आ जाएगा 900, इनू करो जब अपन डिवाइड करिए तो कितना आएगा, डिवाइड कर लो आप इनू 2 नाल 1092। ठीक है, ये कितना आ गया 1092 आ गया, डिवाइड दे विच की रह गया ओनली 1 रह गया, तो रेशियो कितना आ गया 1092 रेशियो की आ गया 1। बाकी तुसी कैलकुलेशन चेक कर लियो, हो सकता है कैलकुलेशन रोंग हो जाए, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन की है, तो कितना आ गया 10/92 डिवाइड बाय 1, तो रेशियो कितना आ गया 1092:1 आ गया। ओके तो अपने को फर्स्ट पार्ट है, नैक्सट आप डिस्कस कर जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1। सैकेंड पार्ट के की कह रहा है, एक्सप्रेस द रेशियो इन सिंपलैसट फॉर्म। सिंपलैसट फॉर्म का मीनिंग की है, सिंपलैसट फॉर्म मतलब रेशियो को आप इस तरह कन्वर्ट करांगे जिन्हों का एच सी एफ की आ जाए 1 आ जाए, मतलब दो रेशियो दोवों के विचाले कुछ भी कॉमन ना हो। ओके तो उन्होंने आप कहेंगे सिंपलैसट फॉर्म, तो सिंपलैसट फॉर्म को कन्वर्ट करने लिए की है, पहला जो रेशियो गिवन है रेशियो को आप करांगे फ्रैक्शन के कन्वर्ट करांगे। ओके सो फ्रैक्शन जो आप कट कर देंगे सब कुछ, उस तो बाद की रह जाएगा अपने को वापस इनू रेशियो के कन्वर्ट करांगे, रेशियो गिवन है उन्होंने फ्रैक्शन कन्वर्ट करो, फिर जो कट हों कट कर लो, उस तो बाद जो बाकी बचा उन्होंने आप फिर की रेशियो के कन्वर्ट करांगे। तो आप स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के नाल, फस्ट क्वेश्चन इज 169:403। तो पहला फ्रैक्शन के कन्वर्ट करो, 169 डिवाइड बाय की आ गया 403। इनू का सॉल्व करने दो मैथड है, पहला तो की है तुम्हें जो डायरैक्ट कटिंग आती है तो डायरैक्ट तुम कट कर सकते हो, किहड़े टेबल दे विच कट होएगा, पर जे कटिंग नहीं आती तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड बेस्ट है, तो तुम इनू क्या ब्रेक करो, पहला 169 30 नाल डिविजिबल है 13 आ गया, अगेन 30 नाल डिविजिबल है तो 1 आ गया, तो आप उपर वाले की लिखांगे 13 × 13 लिखांगे। उस तो बाद आ गया 403, जो अपने को 403 है ये भी 30 नाल डिविजिबल है, तो कितना आ गया 31, 31 ते गया तो कितना आ गया 1। सो इनू आप लिख लेंगे 13 × 31। डिविजिबिलिटी रूल तो चंगी तरह पता है किवें आप डिवाइड करते हैं। उस तो बाद 30 नाल 13 कट हो गया, बाकी की आ गया 13/31, इस तो अगे तो कट नहीं हो सकता, सो दैट इज़ द सिंपलैसट फॉर्म, एक ही आ गया अपने को सिंपलैसट फॉर्म। हुण इहनूं आपां लिखोंगे किवें रेशियो दे विच 13:31, सो दैट इज़ द आंसर। जे तां तुहानूं डायरैक्ट पता है 13 दे टेबल ते कट होएगा तो डायरैक्ट कटिंग कर दो, जेकर नहीं पता तो इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उस तो बाद जो कट हुंदा कट कर दो, जो बाकी बचेगा उन्हें मल्टीप्लाई करके तुसीं की लिख सकते हो आंसर लिख सकते हो। जिवें एक होर क्वेश्चन आपां सॉल्व करते हैं, नैक्सट अपने को बी पार्ट, बी दे विच की कह रहा 324
रेशियो 144। सो 324 डिवाइड बाय की आ गया 144। तेनू मैं की करूंगा पहला सिंपलस्ट फॉर्म दे विच ब्रेक करूं। 324 2 ते गया 162 आ गया, 2 ते गया 81 आ गया, 3 ते गया 27, 3 ते गया 9, अगेन 3 नाल डिवाइड किया 3, अगेन 3 नाल डिवाइड किया 1। तो 324 का की आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हुण 144 नू ब्रेक करो। 144 पहला कितने जाएगा 2 ते, 72, अगेन 2 ते 36, अगेन 2 ते 18, अगेन 2 ते गया 9, फिर 3 ते गया 3, ते लास्ट विच 3 ते गया तां की आ गया 1 आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई सारिआं दी, इहनूं वी लिखो हुण 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये चीज़ आ गई। हुण जो कट हुंदा कट करो, 2 नाल 2 कट, 2 नाल 2 कट, 3 नाल 3 कट, 3 नाल 3 कट, तां बाकी की बचे अपने कोल। उपरले पासे आ गया 3 इंटू 3 डिवाइड दे विच की आ गया 2 इंटू 2, उपर आ गया 3 इंटू 3 डिवाइड दे विच 2 इंटू 2। सो 3 3 जा 9, 2 2 जा किन्ना आ गया 4 आ गया। तो मेरा आंसर किन्ना आ गया 9 डिवाइडेड बाय 4। जे मैं रेशियो दे विच लिखना हो तो 9:4, सो दैट इज़ द आंसर। ओके, तो इस तरीके नाल तुसी की कट कर करके लिख सकते हो। ओके, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर जो कट हुंदा उहनू कट कर दो, बाकी जे बचे उन्होंने मल्टीप्लाई करके तो कोल की आएगा आंसर आएगा। नेक्स्ट सी पार्ट है मेरे को, सी दे विच की कह रहा है 45:70। तो आप की लिखांगे 45, इतने की आ गया 70। तो हुण इहनू ब्रेक करो, पहला 45 नू ब्रेक करांगे आपां, किन्ने ते गया 5 ते, 9 आ गया, 3 ते गया 3 आ गया, अगेन 3 ते गया तो 1 आ गया। सो की आ गया अपने कोल 5 इंटू 3 इंटू 3। हुण 70 नू ब्रेक करो, तो मैं डायरैक्ट लिखन लगा 2 इंटू 5 इंटू 7, बाकी तुसीं ब्रेक करके देख सकते हो 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। सो 5 नाल 5 कट हो रहा, बाकी की बच गया 3 इंटू 3 डिवाइड दे विच 2 इंटू 7, तो आंसर कितना आ गया 9:14। तो रेशियो दे विच कन्वर्ट करके कितना आ गया 9:14। ओके, सो दैट इज़ द आंसर। इस तरीके नाल बाकी डी ई एफ जी ते एच इन्हां नूं तुसीं की कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। उस तो बाद आपां करन जा रहे हैं थर्ड पार्ट इस एक्सरसाइज 8.1 दा।